नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ अर्चना और आप देख रहे हैं रैपिड टाइम्स। आइए एक नजर डालते हैं आज की दिन भर की खबरों पर। सिलीगुड़ी में 1.5 करोड़ रुपए फर्जीवाड़ा करने के आरोप में बाइक शोरूम के एक अकाउंटेंट को प्रधानगर थाना की पुलिस ने किया गिरफ्तार। विभिन्न सामानों की चोरी के बाद अब सिलीगुड़ी के घर एवं ऑफिस से गायब होने लगे एसी की कॉपर पाइप। हाकिमपाड़ा इलाके में सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरों की ये करतूत। सिलीगुड़ी के एक व्यक्ति के साथ 11 लाख रुपए की धोखाधड़ी मामले में भक्तनगर थाना की पुलिस ने राजस्थान से एक आरोपी को किया गिरफ्तार। खोरीबारी के वारिस जोत में 24 वर्ष एक युवक का फंदे से झूलता शव बरामद, पुलिस ने शुरू की जांच। गत 24 अप्रैल को प्रधानगर थाना अंतर्गत दार्जिलिंग मोड़ संलग्न हाथी डोबा इलाके में एक शादी वाले घर में चोरी का प्रतिवाद करने पर जानलेवा हमला मामले में 3 आरोपी को कुछ बिहार से पुलिस ने किया गिरफ्तार। इस घटना में एक व्यक्ति की गई थी जान। सिलीगुड़ी के वार्ड नंबर 44 में एक घर में लगी भीषण आग, अग्निकांड की घटना में घर पूरी तरह जलकर राख। सिलीगुड़ी में नगर निगम द्वारा एक बार फिर चला अवैध निर्माण पर कार्रवाई। शहर के 37 नंबर वार्ड अंतर्गत सारदापल्ली इलाके में अवैध निर्माण को किया ध्वस्त। चनाचूर की बोरियों के आड़ में शराब की तस्करी की योजना को घोषपुर चौकी की पुलिस ने किया विफल, लाखों रुपए की शराब बरामद। कुछ बिहार के भवानीगंज बाजार इलाके के नामकरण के लिए नए दिशा निर्देशों के साथ साथ विभिन्न मांगों का समाधान नहीं होने पर कुछ बिहार जिला व्यवसाय समिति ने अनिश्चितकालीन व्यवसाय बंद करने का किया आह्वान। पत्रकार सम्मेलन कर संगठन की तरफ से दी गई जानकारी। कालचीनी में भीषण गर्मी के चलते बर्बाद हो रही फसलें, समस्या में किसान। खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे कालचीनी के विधायक विशाल लामा, खेतों का किया निरीक्षण, किसानों से की बातचीत, कहा कृषि विभाग से करे संपर्क। रैपिड टाइम्स में आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सिलीगुड़ी टाइम्स।